एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका, इसी में आई थिंक आया हुआ है, फिर देखते हैं कैसे इसको करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं, अगर आप मेथड प्रोसेस मैंने जो कहा वो फॉलो करते रहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो सॉल्व नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत आपको अपने माइंड का एप्लीकेशन पढ़ना पड़ेगा, जहां पे थोड़ा ग्राफ व्राफ खींचना है या क्लॉक वाला, इन जनरल मैक्सिमम में मैं अवॉइड करूंगा ताकि आपको ज्यादा वो हॉच पॉच ना हो, लेकिन जहां खींचना है वहां खींचने भी आना चाहिए। तो ट्रिगरिंग पल्स को देख के करते हैं, जैसे मैंने एसिंक्रोनस में कुछ को प्लॉट करके आपको दिखाया था। अब देखो द करंट स्टेट QA QB या फिर 2JK फ्लिप फ्लॉप सिस्टम इज 0-0। QA QB ये QA है, ये QB है, तो QA QB का ऑर्डर ले लिया है, मतलब QA को MSB माना, QB को LSB। Assume that the clock rise time is much smaller than the delay of the JK flip flop, और ऐसा मैंने बताया था होता भी है, क्लॉक की एज जो होती है ये राइज टाइम यही है, ये एक्चुअल में सडन चेंज जीरो टाइम में नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड इस टाइम के लिए ये ट्रिगर होता है फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। तो क्लॉक का राइज टाइम या एज बहुत स्मॉल टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू डिले। जब राइज हुआ तो ट्रिगर हुआ, उसके बाद डिले टाइम बाद आउटपुट चेंज होगा। अब अगली बार ट्रिगर कब होगा, अगली क्लॉक पल्स में होगा, क्योंकि अगली एज पॉजिटिव या निगेटिव अगली क्लॉक में मिलेगी, ना कि इसमें मिलेगी। इसलिए एक बार एक क्लॉक में एक ही बार वो आउटपुट को चेंज कर सकता है, इसका सिंपल सा यही मीनिंग है, वही दिया, क्लॉक राइज टाइम इज मच स्मॉलर देन द डिले ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप। जबकि लेवल ट्रिगर्ड में वो काफी टाइम तक क्या रहता था, लेवल जब तक हाई है, और अगर डिले स्मॉल हो जाए, लेवल बहुत टाइम तक हाई है, तो ये पॉसिबिलिटी है आई कैन चेंज द आउटपुट मोर देन वंस इन अ सिंगल क्लॉक, दैट इज नॉट पॉसिबल हियर। तो वहां कैन बी पॉसिबल, मतलब जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, लेकिन पॉसिबल है। तो इसका यही मतलब है, सिंपल सा, इससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स को क्लियर रखिए। द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम इज, नेक्स्ट क्वेल पूछा है, लेकिन हम तब भी प्रोसेस फॉलो करेंगे, QAN+1 लिख लेते हैं सिंपली, प्रेजेंट तो हमें 0-0, QAN+1 इज नथिंग बट 1-1 लिखा दिया, 5 वोल्ट मतलब क्या 1-1, और 1-1 पे क्या होता है, टॉगल स्टेट इसकी आती है, QA बार N होता है, सिंपली ये हो गया। और QBN+1 लिख लेते हैं, QBN+1 इज नथिंग बट क्या होता है, सिंपली JBQB बार, QBN है मतलब KB बार QB, यही होता है K बार Q, JB और KB की वैल्यू रख देते हैं, J और K, यहां से QA बार यहां भी गया, QA बार यहां भी गया, तो दोनों जगह QA बार रख दो, QA बार QB बार प्लस K बार, QA बार का बार कर दोगे तो QA आ जाएगा एंड QB आ जाएगा, तो ये आ गया क्या, QA XNOR QB। तो क्या है QB की नेक्स्ट स्टेट कैसे लिख सकते हैं, अगर प्रेजेंट आउटपुट स्टेट QA की बताओ, प्रेजेंट आउटपुट स्टेट QB की बताओ, दोनों का XNOR करके नेक्स्ट लिख सकते हैं। और QA की कैसे लिखना है, QA का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट क्या कर दो, नेक्स्ट लिखना है। तो QA QB का ऑर्डर बताना है, किसका बताना है, ध्यान से देखना, क्योंकि 1-0 और 0-1 हो जाएगा, है ना, तो इसलिए बहुत ध्यान से 0-0 QA QB बताना है जो दिया इनिशियली। तो QA इनिशियली 0-0 है, एक क्लॉक के बाद पूछा है, नेक्स्ट स्टेट मतलब एक क्लॉक के बाद लगाई क्लॉक, दोनों ट्रिगर हुए, QAN+1 इज नथिंग बट QA का प्रेजेंट का बार 1 आ गया, QB इज नथिंग बट XNOR ऑफ दीज टू, QB इज नथिंग बट नेक्स्ट स्टेट में जो प्रेजेंट QA और QB हैं, जो ये हैं, क्लॉक आई ट्रिगर हुए, इन दोनों का XNOR 0-0-1 आ गया, तो एक साथ ये 1 पे जाएगा एक साथ, क्योंकि पैरेलल ही दोनों ट्रिगर हो रहे हैं, तो नेक्स्ट में कहां आ जाएगा 1, पैटर्न जनरेशन नहीं पूछा, केवल एक ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। तो प्रोसेस फॉलो करोगे, दो दो नंबर के बड़े इजी क्वेश्चन 1-1.5 मिनट में लग जाएंगे, कैरेक्टर से क्वेश्चन लिखने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम है, फिर तो वैल्यू रखते जाओ, फिर आंसर देखना है, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी दिमाग में नहीं होगी, ये इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है, करते रहोगे, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग सॉल्व भी कराते हैं आपके, अगर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो भी ऐसे करते हैं, वो सब मेथड छोड़ दो, इस मेथड को फॉलो करो, कभी कोई गलती होगी नहीं। कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं अच्छे अभी गेट के, ठीक है। 2-bit काउंटर सर्किट इज शोन बिलो, कैसा काउंटर है ध्यान से देख के बताओ, क्लॉक उसी क्लॉक से इसको भी ट्रिगर किया, उसी क्लॉक से इसको, दोनों निगेटिव एस ट्रिगर है, दैट काउंटर इज नथिंग बट सिंक्रोनस काउंटर। इफ द स्टेट QA QB, तो QA MSB है एंड QB LSB है, पहले ही क्लियर हो गया, तो ध्यान से पढ़ा करो, दिस इज QA, देखो यहां QA दिखाया, दिस इज QB। अब द काउंटर एट द क्लॉक टाइम TN इज, तो QA QB की वैल्यू इनिशियल स्टेट आप 0-0 ना देके, QA QB की इनिशियल स्टेट बिफोर एप्लीकेशन ने आपका कॉल लगा किया, TN टाइम पे दे दिया है, टाइम एट क्लॉक टाइम TN इज 1-0 पे है, QA MSB है, QB LSB, देन द स्टेट QA QB ऑफ द काउंटर, QA QB आपको बताना है, बार बार कह रहा है, अब द काउंटर एट TN+3 आफ्टर 3 क्लॉक साइकिल, 3 क्लॉक पल्स के बाद क्या, तो वही पैटर्न ही जनरेट करना है, पैटर्न जनरेट करोगे 1 क्लॉक के बाद, फिर 2 क्लॉक के बाद, फिर 3, क्या रिपीट हो रहा है उससे पता चल जाएगा, तीसरी क्लॉक वाला बता देना, एक सिक्वेंस को ही पूछ सकता है कि यार सिक्वेंस पैटर्न जनरेट हो रहा है, उसमें वही तीसरी क्लॉक पे पूछ दिया, तो कुछ करना नहीं, दोनों क्वेश्चन क्या है सेम, इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा, तो करना क्या है, सिंपल सा हमारा फंडा है, कुछ ज्यादा
ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। QA n plus 1, QA कौन है ये? QA n plus 1 is nothing but J QA bar where QA is present output state and QA n plus 1 is next and K bar QN। ठीक है, J और K की वैल्यू रख देते हैं। J देखो कहां से आया, यहां से। ये क्या है? QB bar है, QB bar इंटू क्यू ए बार। क्यू बी प्रेजेंट आउटपुट स्टेट है, उसी को इनपुट की तरह यूज कर सकते हो, जो है वही तो इनपुट की तरह यूज होगा, जो आने वाला अभी कैसे इनपुट लग जाएगा ना। के बार, के क्या है? क्यू बी से आया के, उसका बार करोगे तो क्यू बी बार वो भी हो जाएगा। क्यू बी है, क्यू बी का बार के बार इंटू क्यू ए, यहां से क्यू बी बार कॉमन लो लोगे तो क्या है, क्यू ए की अगर नेक्स्ट स्टेट लिखना है तो प्रेजेंट आउटपुट स्टेट क्यू बी है, उसका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट ले लो। ये यहां से ये पता चल गया, क्यू बी एन प्लस वन कितना आएगा? जे बी QB बार प्लस KB बार QB। JB की वैल्यू ध्यान से देखो, यही JB है ये, तो यहां से QA आया हुआ है, QA QB बार प्लस यही Q यहां पे भी पास हुआ है K में भी, तो QA ही है यहां पे भी, QA का बार इंटू QB, तो AB बार प्लस A बार भी, ये नथिंग बट QA XOR QB। तो नेक्स्ट स्टेट अगर QB की लिखनी हो तो प्रेजेंट आउटपुट स्टेट QA प्रेजेंट आउटपुट स्टेट QB का XOR करके लिख दो। तो हम सीधे सीधे अब सारे आउटपुट लिख लेते हैं। QA एंड QB इनिशियली कहां पे हैं? 1-0। ऑर्डर मस्ट बी मेंटेन, क्या पूछा गया QA QB की, QB QA। अब नेक्स्ट स्टेट में पहली क्लॉक आई तब ट्रिगर होंगे तो अपनी नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे इन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट आउटपुट स्टेट, यानी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट इनपुट, और प्रेजेंट इनपुट किसी और फ्लिप फ्लॉप के प्रेजेंट आउटपुट से ली गई है, तो प्रेजेंट आउटपुट आपको पता है 1-0 कहां है। ठीक है, तो क्या करना है, क्यूए का नेक्स्ट स्टेट क्या है? क्यूबी का कॉम्प्लीमेंट, क्यूबी अभी है कितना? 0, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1। ठीक है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। पैरेलली ये यहां से 0-1 जा रहा है और यही 1-0 का यूज करके क्या दे देगा, ये क्यूबी एन प्लस 1। क्यूबी एन प्लस 1 इज नथिंग बट प्रेजेंट आउटपुट स्टेट का एक्सओआर, 1 और 0 का एक्सओआर क्या आ गया, 1। तो ये दोनों इनपुट की तरह यूज होंगे इसको भी जनरेट करने में, इसको पैरेलली ये यहां से यहां जाएगा, पैरेलली ये यहां से 0 से 1 जाएगा सिंपली। ठीक है, दूसरी क्लॉक आई, QA क्या है? QB के प्रेजेंट आउटपुट स्टेट का क्या है? कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, और QA n plus 1 क्या, QB n plus 1 क्या, इन दोनों का XOR, QA XOR QB 1 और XOR 1 is 0। ठीक है, तीसरी क्लॉक पल्स ले लेते हैं, क्या है? 0 का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है QA n plus 1, QB का कॉम्प्लीमेंट, QB है कितना प्रेजेंट में? 0, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 का 1, और इन दोनों का XOR नेक्स्ट स्टेट बन जाती है किसकी, QB की, 0 XOR 0 is 0, तो 1-0 आ जाएगा आंसर। कहां है 1-0? C is the correct option। थोड़ा सा टाइम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने में उसको अरेंज करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बस देखना है। अब इसमें ये बार बार जाने की जरूरत नहीं कि ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये ट्रिगर करेगा तो ये 1 होगा तो ये 0, उसमें पागल हो जाओगे, इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता। इससे सिंपली फॉलो करो, सीधे सीधे आंसर लिखो, और यहां से 2 नंबर के क्वेश्चन नॉर्मली आते ही आते हैं, बड़े इजीली आप स्कोर करके इसमें कर सकते हो, तो डिजिटल में इजीली ये 2 नंबर आप क्या कर सकते हो, पा सकते हो ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी में पूछा गया, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, चीजों को थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। सिंक्रोनस काउंटर का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे मैं उसमें थोड़ा सा आपको इन डेप्थ ले जाता हूं, चीजों को कैसे आपको सोचना चाहिए वो आपको बताता हूं। ए फाइनाइट स्टेट मशीन FSM इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप्स ए एंड बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड लॉजिक गेट्स एज शोन इन द फिगर। लॉजिक गेट क्या यूज किया उन्होंने, एक NAND गेट यूज किया XIN एंड QA का, NAND लेके इसके QB में DB में पास कर दिया, और QA और QB का XOR लेके DA में पास कर दिया। क्लियर, द 4 पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द FSMR, 2 फ्लिप फ्लॉप हैं तो कितने स्टेट पॉसिबल हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 4 स्टेट पॉसिबल हैं 2 फ्लिप फ्लॉप से, 2 बिट से। क्लियर है, वही लिखा है, अज्यूम दैट XIN इज हेल्ड एट कॉन्स्टेंट लॉजिक लेवल थ्रू आउट द ऑपरेशन, मतलब XIN एक है, XIN एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, तो ये कह रहा है थ्रू आउट ऑपरेशन आपको अगर इसको 0 पे फिक्स कर दिया तो 0 पे रखोगे, 1 पे फिक्स कर दिया तो 1 पे रखोगे। ठीक है, थ्रू आउट द ऑपरेशन, व्हेन द FSM इज इन स्लाइस टू QA QB 0 0 एंड द क्लॉक आफ्टर अ फ्यू साइकिल इट स्टेट साइकिलिंग, इसकी स्टेट क्या होने लगती, साइकिल, जैसा आपने पढ़ा था है ना, एक टाइम के बाद वो रिपीट होता है, तो वही पूछ रहा है, तो क्या आएगा रिपीटिंग में, ऑल द 4 पॉसिबल स्टेट्स आएंगी, कह रहा है अगर XIN 1 होगा इन्हीं चारों स्टेट्स आएंगे आपके स्टेट मशीन में और यही रिपीट करेंगी। 3 ऑफ द 4 पॉसिबल स्टेट्स फॉर XIN इज इक्वल टू 0, ओनली 2 ऑफ द 4 पॉसिबल इफ XIN इज इक्वल टू 1, ओनली
टू पॉसिबल इफ एक्सन इज इक्वल टू जीरो, तो देख लेते हैं। और इसमें छोटे छोटे पॉइंट जो आप गलती कर सकते हो, मैं उसके डेप्थ में जाऊंगा। जो गलतियां आप करते हो वो आपको करनी नहीं है, कैसे सोचना है, क्या चीजें नहीं करनी, वो मैं आपको बताता हूं। तो हमेशा ऐसा कुछ भी आए, ये पैटर्न जनरेशन का ही क्वेश्चन है, बस उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। हमेशा क्या लिखा करो, हमेशा क्यू ए क्यू बी लिखना है तो क्यू ए एन प्लस वन लिख लिया मैंने, और इसमें ऑर्डर नहीं पूछ रहा, बस फोर पॉसिबल। तो क्यू ओ के एम एस बी मानो, क्यू बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्यू ए के मान ले रहा हूं। क्या होता है, नथिंग बट डी ए, एंड डी ए इज नथिंग बट देखो क्यू ए और क्यू बी का एक्सोर। अगर क्यू ए की प्रेजेंट स्टेट पता हो क्यू बी के, तो नेक्स्ट स्टेट में इन दोनों के एक्सोर से क्यू ए एन प्लस वन निकल जाएगा। क्या है, क्यू ए एक्सोर क्यू बी, देख लो ध्यान से, क्यू बी और क्यू ए, यहाँ पे डी पे क्यू बी एन प्लस वन, यहीं से करेंगे। प्रोसेस इज ऑलवेज इंटैक्ट, वैल्यूज आर चेंज, है ना। तो यहां से देखो, यहां का डी कितना है, डी बी, डी बी इज नथिंग बट क्यू ए इन टू एक्सिन का क्या होल बार। और नैंड गेट की बड़ी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, अगर उसमें इनपुट को जीरो कर दो तो आउटपुट, एक इनपुट को जीरो कर दो बाय डिफॉल्ट, बाकी इनपुट से मतलब ही नहीं होता, आउटपुट गारंटीड है, क्या जाएगा, वन ही जाएगा, ये श्योर है। और वही एक्सिन हम वेरी कर रहे हैं, अब इसे एक्सिन का वही आपको यूज करने आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, जब जीरो जीरो से शुरू करोगे, क्यू ए क्यू बी को ले लिया, क्यू ए क्यू बी इनिशियली जीरो है, पहली क्लॉक के बाद क्या स्टेट रिपीट करेगी देखते हैं। एक्सएन की वैल्यू एक वन एक जीरो ले लोगे, दो ही वैल्यूज ले सकते हो। तो ध्यान से देखो, क्यू ए इज नथिंग बट प्रेजेंट आउटपुट स्टेट का एक्सोर जीरो, और जीरो का एक्सोर क्यू ए, जीरो ही आएगा अगली स्टेट में, ठीक है। अब देख लेते हैं यहां पे क्यू बी एन प्लस वन क्या आएगा, क्यू ए की वैल्यू जीरो इंटू एक्सएन की जो भी वैल्यू होगी। अब एक्सिन को आप जीरो रख सकते हो या वन रख सकते हो। अगर मैंने एक्सिन को सपोज जीरो रख दिया, अगर एक्सिन को आपने जीरो पे फिक्स कर दिया या वन पे, अगर मैंने एक्सिन को वन पे फिक्स कर दिया तो क्या होगा, ये वन इंटू क्यू ए का बार, यहां क्या पास हो जाएगा, क्यू ए का बार पास हो जाएगा, ठीक है, वन इंटू क्यू ए का बार, तो वन इंटू क्यू ए क्या पास हो जाएगा, क्यू ए का बार पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगली स्टेट में क्या आएगा, अगर एक्सिन वन है तब पैटर्न जनरेट कर लेते हैं, और एक्सिन जीरो पे दो ही केस बनता है, यहां पे बस वैल्यू रखनी है। जैसे एक्सिन को वन रखोगे ये आ जाएगा क्यू ए बार नेक्स्ट स्टेट में। तो अब इस केस के लिए देख लेते हैं, और दूसरा एक्सिन इज इक्वल टू जीरो, फिर ऑप्शन ढूंढ लेंगे, कुछ करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो पहली क्लॉक में इन दोनों का, ये तो हमेशा एक्सआर देगा, बस चेंज क्या होगा, एक्सिन जीरो के लिए क्यू बी चेंज हो जाएगा, एक्सिन वन के लिए क्यू बी चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, पहली क्लॉक आपकी आई, आपने क्यू ए एक्सोर क्यू बी से निकाल लिया, दोनों के एक्सोर से क्या निकाल लिया, क्यू ए, और क्यू बी एन प्लस वन क्या है, क्यू ए का बार, जीरो का बार, यहां क्या आ जाएगा, वन। दूसरी क्लॉक आई, देखते हैं इन दोनों का एक्सोर क्या आएगा, ध्यान से देखना, दूसरी क्लॉक पे क्या आएगा, इन दोनों का एक्सोर बन जाएगा, क्यू ए जीरो और एक्सोर वन आ गया, और क्या होगा, क्यू ए का बार पास हो जाएगा, कहां पे, क्यू बी एन प्लस वन में जीरो का बार क्या, वन वन, ठीक है। तीसरी क्लॉक आई, तीसरी क्लॉक के बाद क्या है, इन दोनों का एक्सोर आ जाएगा क्यू ए, ये आ गया जीरो, और ये क्या होता है, इसका बार क्यू ए का बार क्यू बी बन जाता है वन का बार जीरो। तो क्या हुआ, एक्सिन इज इक्वल टू वन के लिए तीन स्टेट आ रही हैं, जीरो वन 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 एंड जीरो। तो इनमें से क्या स्टेट्स पॉसिबल हैं, थ्री स्टेट्स आर पॉसिबल आउट ऑफ दिस फोर स्टेट फॉर एक्सिन इज इक्वल टू वन एंड दे रिपीट्स आफ्टर सम टाइम। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, एक्सिन इज इक्वल टू वन के लिए एक ऑप्शन है, ऑल द फोर पॉसिबल स्टेट्स ऑफ एक्सिन इज इक्वल टू वन, एनी ओनली टू ऑफ द फोर स्टेट इज एक्सिन इक्वल टू, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि एक्सिन इज इक्वल टू वन के लिए आउट ऑफ दीज थ्री स्टेट्स आर पॉसिबल एक्सिन इज इक्वल टू वन के लिए, जीरो 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 वन वन वन। अब ये जीरो देखो इनिशियल ट्रांजिएंट भी हो सकता है, अगर वो बाद में कभी नहीं आया, लेकिन बाद में वो आ रहा है कि नहीं, जीरो, फिर से जीरो वन आएगा, फिर से वन आएगा, फिर से जीरो, तो ये जीरो बार बार आ रहा है, तो ये स्टेडी स्टेट में होगा, इसको काउंट करेंगे। कई बार एक शुरू में जब स्टार्ट करते हैं तो जीरो जीरो लेके ही करते हैं बाय डिफॉल्ट रीसेट, वो अगर आगे कभी नहीं आया तो उसको काउंट नहीं करोगे, ये भी बहुत दिमाग में होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो एक्सिन इज इक्वल टू जीरो वाला कोई ऑप्शन होगा। जैसे एक्सिन इज इक्वल टू जीरो रखोगे तब क्यू बी एन प्लस वन क्या आ जाएगा, ये तो वही रहेगा क्यू एक्स और क्यू बी क्यू एन प्लस वन, जीरो रखोगे अगर एक इनपुट की एक्सिन को जीरो पे फिक्स कर दिया, फिर क्यू ए कुछ भी हो अगर ये जीरो हो गया तो यहां आउटपुट क्या आएगा, वन ही आएगा, एक इनपुट अगर जीरो हो गया तो ये आउटपुट वन ही आएगा। अब इसके केस में देख लेते हैं जीरो जीरो से कहां जाएगा, ये क्यू ए क्यू बी है, क्यू ए क्यू बी। अब पहली क्लॉक आई, इन दोनों का एक्सोर बन गया क्यू ए, क्यू ए एन प्लस वन, जीरो एक्सोर जीरो, जीरो आ गया, और क्यू बी क्या है, क्यू बी एन प्लस वन इज फिक्स एट वन, क्यू बी एन प्लस वन डी होता है, और वो हमेशा के लिए एक्सिन अगर जीरो कर दिया तो वन ही आएगा, क्योंकि क्यू ए चाहे जीरो है चाहे वन, वन इंटू जीरो एन जीरो इंटू वन, दो यहाँ जीरो आ गया है, अब जीरो इंटू वन का बार भी वन आता, जीरो इंटू जीरो का बार भी वन आता, तो ये क्या आएगा हमेशा, ये वन आ गया नेक्स्ट में। अभी ये स्टेट ये था, अभी इसके इनपुट में वन जा रहा था, जैसे क्लॉक आई ये वन आ गया, ठीक है। दूसरी क्लॉक देखो,
अब यहीं से आपको पता चलना चाहिए, जब ये 1 पे फिक्स हो गया तो इनिशियल तो ये रीसेट स्टेट में था, लेकिन जब ये 1 पे इनपुट हमेशा फिक्स हो गया तो हर क्लॉक के बाद 1 ही यहां पास होगा। कभी यहां पे 0 आ सकता है क्या? तो ये 0 0 कभी दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि क्यूबी हमेशा के लिए क्या हो गया, 1 पे फिक्स हो गया। दूसरी क्लॉक पे क्या होगा, इन दोनों का एक्सोर हो जाता है, QAN+1 0 और 1 का एक्सोर 1, और ये तो 1 ही पे फिक्स है। नेक्स्ट स्टेट में ये हमेशा क्या दे रहा है, 1, चाहे प्रीवियस में कुछ भी रहा हो 1। तीसरी क्लॉक पे क्या आएगा, देखो ध्यान से, 1 इन दोनों का XOR क्या आ गया, QAN+1 0 और ये QBN+1 तो 1 ही है। फिर चौथी क्लॉक में देखो क्या आएगा, इन दोनों का XOR QAN+1 है, ये तो 1 ही है। तो देखो क्या क्या रिपीट हो रहा है, 0 1 1 1, यही दो स्टेट 0 1 1 1 रिपीट हो रही है। ये तो इनिशियल ट्रांजिएंट है, ये कभी दोबारा आएगा क्या? कभी दोबारा नहीं आएगा। तो ये दो ही स्टेट स्टडी स्टेट में है, तो यहां पे यही दो स्टेट काउंट करेंगी बार बार, 4 में से 0 1 और 1 1 बार बार करेंगी। अगर एक्सिन की वैल्यू हमने क्या फिक्स कर दी, 0, तो देखो एक्सिन के केस में 2, 0 के केस में 3 ऑफ द 4 एंड ओनली 2 ऑफ द, यहां ओनली 2 है, ओनली 2 है ना यहां पे, ये 2 वाला, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत लोग ये भी गलती कर सकते हैं, ये ध्यान देना, जो इनिशियल ट्रांजिएंट हमेशा रीसेट से शुरू करते हो, अगर बार बार बाद में भी आ रहा है क्लॉक एप्लीकेशन पे तभी काउंट करोगे, 3 नहीं, यहां 2 आंसर है, ये रिपीट कर रहा है। आप लगाते जाओ क्लॉक इन दोनों का एक्सोर 0 और ये 1, तो कभी 0 0 दोबारा आएगा, वो रीसेट है, इनिशियल ट्रांजिएंट है, हर सिस्टम में होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये गलती आप करते हो तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, डी। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो आप अवॉइड करो। तो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं अभी, और भी सॉल्व करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में आया हुआ है अभी, देखना इतना बड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, और अगर सिंपल से कॉन्सेप्ट लगाओगे, सिंप्लीफाई करोगे चीज़ों को, छोटे छोटे बेसिक्स यूज़ करने की कोशिश करो तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। गेट में इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, चीज़ों को आपको रिलेट करने आता है कि नहीं चेक किया जाता है। लेंथी मेथड से तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, लगे रहो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, आंसर तो आएगा ही, कभी कभी वहाँ 3 ही घंटे आपके पास, 3 घंटे में करके दिखाना, जो भी अपना बेस्ट देना वो उस 3 घंटे में। तो जहाँ टाइम बच सकता है वहाँ टाइम बचाना है, जहाँ टाइम देना है वहाँ देना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन 1 ही मिनट में सॉल्व होगा, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन जहाँ बचा सकते हो, जहाँ कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करके अप्लाई कर सकते हो वहाँ कोशिश किया करो, और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करो। गेट में आधी चीजें तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। आप मैथ्स में भी राहुल सर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे होंगे, वो यही कहते हैं हमेशा आपसे कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए आप, बहुत ही अच्छे से। अगर क्वेश्चन 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ लिया तो आधी चीजें वहीं से क्लियर हो जाएंगी, बस बाद में तो प्रोसेस फॉलो करना है, और प्रोसेस पे आप इंटैक्ट रहिए, चीजों को सीख के कैसे अप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आएगा ही आएगा, आंसर कहीं दूर नहीं है ना। क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट तो करता ही करता, आप कितने सिंप्लीफाई तरीके से करते That matters. आप कितने easily चीजों को handle करते हैं, that's the difference between successful and unsuccessful, है ना? The digital logic shown in the figure satisfies the given state diagram when Q1 is connected to input A. क्या कनेक्ट है A से? Q1 को यहां कनेक्ट कर दिया, बाकी कनेक्शन इसी तरह से है, A of the XOR gate. A इनपुट XOR गेट से है, और यस आपका एक कंट्रोलिंग इनपुट है, कभी इसको 0 रख रहे हो, कभी इसको 1 रख रहे हो, इस तरह से कंट्रोल कर रहे हो। तो स्टेट डायग्राम क्या है, जैसे अगर ये 0 0 स्टेट पे है Q1 Q2, यस अगर 0 रखा तो ये अगली स्टेट में कहां चला जा रहा है, 0 0 को होल्ड कर रहा है। यस अगर 1 रखोगे और ये 0 0 पे है प्रेजेंट में तो कहां चला जाएगा, 0 1, क्योंकि यस की 1 वैल्यू पे यहां इनपुट्स अलग अलग हो जाएंगे, इनपुट्स अलग हो जाएंगे तो क्लॉक आएगी, तो नेक्स्ट स्टेट ये 0 1, ये जनरेट करके उन्होंने देखा होगा। अब ये 0 1 स्टेट में है अभी प्रेजेंटली, और एक कंट्रोलिंग इनपुट गैस आपके पास है। जब हम पढ़ेंगे आपका सीक्वेंस डिटेक्टर, आपको जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी आपके पास एक एक्सटर्नल कंट्रोलिंग इनपुट होता है, जो इसीलिए मिले मशीन क्या होती है, मिले मशीन में जो नेक्स्ट आउटपुट स्टेट होती है, नेक्स्ट आउटपुट स्टेट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट स्टेट, प्रेजेंट आउटपुट स्टेट Also depends on the एक वन एक्सटर्नल इनपुट। एक्सटर्नल इनपुट और प्रेजेंट आउटपुट स्टेट मिलकर डिसाइड करेंगे कहां जाएगा। ये 0 0 पे है और प्रेजेंट अगर इनपुट यस 0 है तो ये यही रह जाएगा। ये 0 0 पे है लेकिन अगर प्रेजेंट इनपुट यस 1 है, दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे तो नेक्स्ट में 0 1 पे चला जाएगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिले मशीन, है ना। लेकिन यहां मिले मशीन का ज्यादा कोई रोल नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर है, कुछ करना नहीं है। ध्यान से अगर चीजों को रिलेट करते हो, विजुलाइज करते हो तो बहुत
इजी आंसर है। 0 1 पे है तो यस इज इक्वल टू 0 पे जा रहा है, यहां पे 1 पे, यहां इस तरह से सारे स्टेट डायग्राम है। किसी स्टेट पे है तो यस के दो कॉम्बिनेशन है, दो कॉम्बिनेशन के लिए वो कहीं कहीं जा रहा है। जैसे 0 पे यहां होल्ड किया और यहां पे जब 1 आया और 1 1 पे है तो यहां चला गया 1 0। वो एरो से मार्क है कि यहां पे है, कहां जाएगा अगर प्रेजेंट ये है और इनपुट आपने एक्सटर्नल ये लगाया तो कहां जाएगा नेक्स्ट स्टेट में, ये मार्क्ड है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। सपोज द एक्सोर गेट इज रिप्लेस्ड बाय एन एक्सनोर गेट, यहां पे अब एक्सोर गेट है, केवल उसको एक्सनोर लगा दिया, यहां नॉट लगा दिया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रिजर्व द स्टेट डायग्राम। अब मुझे बताओ स्टेट डायग्राम कैसे प्रिजर्व हो सकता है। बहुत लोग इसका क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे, कहां कहां जा रहा है, फिर एक्सनोर गेट से ट्रूथ टेबल बना के कहेंगे कि क्या कनेक्ट करें कि वही चीज क्या हो जाए, आ जाए। लेकिन उसको उतना करने की जरूरत भी है क्या? आप फर्जी में उस चीजों को कर रहे हैं, लेंदी बना रहे हैं, सोल्यूशन तो निकाल रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्व द स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम कब प्रिजर्व होगा बताओ, ध्यान से सोच के, स्टेट डायग्राम कब प्रिजर्व होगा? नेक्स्ट स्टेट किस पे डिपेंड कर रही है? प्रेजेंट आउटपुट स्टेट एंड प्रेजेंट जो इनपुट यस है उस पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं कहूं, अब देखो यहां पे D1 क्या है, D1 तो Q2 से गवर्न है, D2 में कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है D1 इनपुट में, कोई चेंज नहीं रहा, D2 इनपुट में आप चेंज कर रहे हो अगर यहां एक्सनोर इनपुट लगा दे रहे हो। तो एक्सनोर गेट से यहां क्या, पहले यहां पे D2 में आता था, A कनेक्टेड था Q1, तो यस एक्सोर Q1 था D2 इनपुट, तो Q2n+1 क्या था, S एक्सोर Q1 था, और D1 इनपुट था क्या, D1 इज Q2, तो Q1n+1 क्या था, Q2 था। तो ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी यही डिसाइड करती थी कि यस की वैल्यू 0 है और प्रेजेंट 0 0 पे है तो नेक्स्ट कहां जाएगा। इसी से तो निकालते, यस की वैल्यू रखते, Q1 Q2 की प्रेजेंट लगते, नेक्स्ट स्टेट Q2n+1 और Q1n+1 निकल जाता। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर इसको इस स्टेट डायग्राम को होल्ड करना है, प्रिजर्व करना है, तो सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होल्ड हो जाए तो आपका प्रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही तो बताती है नेक्स्ट में कहां जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर सेम हो जाए तो क्या होंगे, बाकी चीजें भी पहले जैसी रहेंगी। जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में चेंज ही नहीं हुआ, आपने इस तरह से कनेक्शन किया, जो चेंज कनेक्शन जब इसको एक्सनोर से रिप्लेस किया, तो क्या हो जाएगा, वो रिटेन कर लेगा स्टेट डायग्राम या इस पूरे टेबल को। ये यही तो बता रहा है इनपुट और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट में कहां जाएगा, और वो डिसाइड कौन करता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस पर डिपेंड करती है, जो इनपुट है प्रेजेंट आउटपुट पे। तो यहां वाला तो कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका इनपुट चेंज हो रहा है वैसे कैरेक्टर। अगर इसके इनपुट को मैं होल्ड कर लूं पहले वैल्यू, तो आप मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। यहां D2 की वैल्यू क्या थी, यस एक्सोर ए थी। अगर फिर से यस एक्सोर क्या, यस एक्सोर ए और एक इतना था Q1, Q1 एक्सोर एस था D2 की क्या वैल्यू। अगर ये फिर से इस तरह से कनेक्शन करूं, जब ये एक्सनोर गेट हो गया है, फिर से ये Q1 एक्सोर एस ही आ जाए, Q1 एक्सोर एस आ जाए, तो क्या होगा, स्टेट डायग्राम प्रिजर्व हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अगर सारे इनपुट पहले जैसे ही रह गए तो सारे आउटपुट पहले जैसे रहेंगे, वही स्टेट डायग्राम होगा। अब जैसे इसको एक्सनोर से बनाया, ये पहले क्या था, D2 एस एक्सोर Q1 था, एक्सनोर आ गया, तो आपको चाहिए क्या आउटपुट, एस एक्सनोर Q1। और एक्सनोर में, अगर एक्सनोर गेट में एक इनपुट को मैं क्या करूं, कॉम्प्लीमेंट करके लगा दूं, तो फिर से क्या बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए एक। तो अगर मैं यहां Q1 से कनेक्ट करता तो ये एस एक्सनोर Q1 हो जाता, तो चेंज हो जाता इनपुट, तो स्टेट डायग्राम चेंज। लेकिन अगर यहीं Q1 बार कर दूं, इस बार को हटाने के लिए, फिर से ये आ जाएगा कि नहीं। तो यहां अगर इसी कनेक्शन को मैं यहां से कर देता एक्सनोर से रिप्लेस करने के बाद, फिर से D2 वही आ गया जो पहले था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वही बन गई, इसकी तो पहले से वही है, जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम तो स्टेट डायग्राम सेम। तो क्या है, एक्सनोर से अगर रिप्लेस किया गेट को और आपको एक्सोर चाहिए था, तो एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर दो, करते थे एक्सनोर गेट में, अगर एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर दो तो वो एक्सोर बन जाता था, एक्सोर में एक को कॉम्प्लीमेंट कर दो तो एक्सनोर ए बार एक्सोर बी, ए एक्सनोर बी हो जाता था, ए बार एक्सनोर बी, ए एक्सोर बी हो जाता था। तो आपको एस एक्सोर Q1 चाहिए था, एस तो एस फिक्स है, Q1 की जगह अगर Q1 बार कर दूं और यहां नॉट, तो ये दोनों नॉट एक दूसरे को क्या कर देते थे, कैंसिल, क्योंकि एक्सनोर हुआ तो यहां Q1 बार कर दोगे, तो जैसे बार हटाओगे एक्सनोर क्या बन जाएगा, एक्सोर। तो सीधे Q1 विल बी रिप्लेस बाय व्हाट, Q1 बार। कौन सा आंसर करेक्ट है, डी, सिंपली एक्सोर और एक्सनोर, क्योंकि एक्सनोर लगाया तो यहां पे इसने क्या कर दिया, एस एक्सोर Q1 का क्या कर दिया, एस एक्सनोर Q1 या एस एक्सोर Q1 का बार, और एक को कॉम्प्लीमेंट करो तो एक्सनोर एक्सोर में कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और एक्सोर एक्सनोर में, तो यस तो यस ही है, केवल कनेक्शन क्या है, Q1 से इसको किया था, अब एक्सनोर में Q1 बार से कर दो, तो Q1 बार एस एक्सनोर एस
विल बी एस एक्सोर क्यू वन, जो पहले वाला इनपुट था वही आ गया, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा आंसर। तो एक्सोर और एक्सोनॉर की प्रॉपर्टी पता है तो सिंपली एक लाइन का आंसर है, लेकिन कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि प्रिजर्व करने के लिए क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से सोचोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो दो तीन क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले लेक्चर में फाइनाइट स्टेट मशीन या सिक्वेंस डिटेक्टर में पढ़ा दूंगा, तो आपका ऑलमोस्ट ये मैं खत्म कर दूंगा। क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एडीसी डैक, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एनलॉग में कवर करने की कोशिश करूंगा, उसमें भी डैक वाला पार्ट, आप उसको खुद से पढ़िएगा। अगर ओपीएम पढ़ लिया तो आपको समझ में आएगा, वहां मैं ओपीएम पढ़ाऊंगा, इफ टाइम इज देयर देन मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, देखो कैसे कैसे वो आपको टेस्ट करते हैं, कैसे कैसे क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। देखो कंसीडर द गिवन सर्किट, एक गिवन सर्किट दे दिया, अगर ध्यान से देखोगे तो सबको पता चल जाएगा कौन सी सर्किट। इन दिस सर्किट द रेस अराउंड कंडीशन डज नॉट अकर, अकर्स व्हेन क्लॉक इज जीरो, अकर्स व्हेन क्लॉक इज वन एंड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वन, अकर्स व्हेन क्लॉक इज वन एंड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो। बहुत लोग सी ऑप्शन मार सकते हैं। अब ध्यान से देखो रेस अराउंड कंडीशन होने की क्या कंडीशन थी, द फ्लिप फ्लॉप मस्ट बी फर्स्ट ऑफ ऑल जेके फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए, दैट मस्ट बी लेवल ट्रिगर्ड, ये भी लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप ही है, दैट मस्ट बी लेवल ट्रिगर्ड एंड द पल्स विड्थ ऑफ द क्लॉक मस्ट बी मच मच ग्रेटर देन द डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। अगर डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप से है और जेके को वन वन रख दोगे तो एक ही क्लॉक में वो एक से ज्यादा बार आउटपुट चेंज कर देता है बिना इनपुट चेंज किए हुए, दैट इज कॉल्ड एज रेस अराउंड कंडीशन, ये होती थी। तो यहां देखो ये जेके फ्लिप फ्लॉप है क्या, पहले ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप में तो यहां से भी फीडबैक जाता है तब जेके बनता है, ये जीरो जीरो पे, ये वन वन पे क्या है, ये वन वन पे इनवैलिड स्टेट देगा एसआर फ्लिप फ्लॉप का, जैसे होता है ये यस इनपुट है, ये आर क्लॉक को वन, ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, यहां वन वन दोगे तो यहां क्या आ जाएगा जीरो जीरो, जीरो जीरो पे दोनों आउटपुट वन, ये क्या हो जाएगा इनवैलिड स्टेट। तो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है, जब जेके फ्लिप फ्लॉप है ही नहीं तो रेस अराउंड कंडीशन कभी हो सकती है कभी होगी नहीं, सीधे आंसर डज नॉट अकर है। तो सारी कंडीशन को देयर मस्ट बी सर्किट मस्ट बी सच दैट इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन ऑफ रेस अराउंड, देन ओनली रेस अराउंड कंडीशन ट्रूज है ना, वो हैपन तभी होता है जब सारे कंडीशन एक साथ हो, जेके फ्लिप फ्लॉप हो, लेवल ट्रिगर्ड हो, लेवल ट्रिगर्ड के साथ साथ जेके इनपुट वन वन अप्लाइड हो, और केवल लेवल ट्रिगरिंग इज नॉट सफिशियंट, द पल्स विड्थ मतलब हाफ टाइम पीरियड जिसमें पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड या निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड तो निगेटिव हाफ वाला, तो पल्स विड्थ उसको कह रहे हैं पल्स विड्थ पी डब्ल्यू मस्ट बी मच मच ग्रेटर देन द टाइम डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, देन वॉट हैपन्स एट वन वन आउटपुट चेंजेस मोर देन वंस इन अ सिंगल क्लॉक फॉर इनपुट वन वन इवन इफ यू आर नॉट चेंजिंग द इनपुट, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेस अराउंड कंडीशन, उसको उसी को रेस करता रहता है, उसी को क्या करता है उसी के अराउंड घूमता रहता है ना, उसी के अराउंड वन जीरो वन जीरो एक ही क्लॉक में, जबकि एक क्लॉक में आपका क्या डिजायर्ड होता है एक ही बार आउटपुट चेंज होना चाहिए। तो देखो कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन, इसको पढ़ के क्लैरिटी है तो एक लाइन में आंसर दे के 10 सेकंड में आगे बढ़ जाओगे, और क्लैरिटी नहीं है तो 10 मिनट सोचोगे होगा नहीं होगा परेशान रहोगे। तो चीजों को दिमाग में एकदम सिस्टमेटिकली अगर बैठा के सिंप्लीफाई तरीके से रखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, कुछ क्वेश्चन तो अच्छे आएंगे वो तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ना, सारे सिंपल तो दे नहीं सकते कि सब लोग 100 में 100 ही लाएं या 100 में 90 लाएं, तो कुछ क्वेश्चन अच्छे तो होंगे। तो एक दो और क्वेश्चन करते हैं फिर इसको समराइज करेंगे। अजूम दैट द ऑल द डिजिटल गेट इन द सर्किट शोन इन द फिगर आर आइडियल, आइडियल है मतलब डिले जीरो है, जैसे ट्रिगर करोगे आउटपुट चेंज होगा, सारे जैसे फंक्शन करते हैं वैसे करेंगे। द रेजिस्टर आर इज इक्वल टू 10 ओम एंड द सप्लाई वोल्टेज इज 5 वोल्ट, मतलब सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है लॉजिक 1 के लिए 5 वोल्ट यूज हो रहा होगा और लॉजिक 0 के लिए 0, नॉर्मली यही होता है ठीक है। द डी फ्लिप फ्लॉप्स D1 D2 D3 D4 एंड D5 कौन है, ये D1 है, ये D2 है, D3 D4 D5 आर इनिशियलाइज्ड विद लॉजिक वैल्यूज, इनिशियली किससे इनिशियलाइज है देख लेते हैं, हम लिख लेते हैं D1 D2 D3 D4 एंड D5, यहां पे लिख लेते हैं किससे इनिशियलाइज है 0 1 0 1 0 ठीक है, रिस्पेक्टिवली 0 1 0 1 0। द क्लॉक हैज 30% ड्यूटी साइकिल, तो क्लॉक 30% टाइम के लिए हाई है बाकी टाइम के लिए लो है, तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या ट्रिगरिंग पे, अगर आपके एस ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हैं तो क्लॉक की ड्यूटी साइकिल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको केवल इधर गुमराह करने के लिए दिया गया, आपको तो आउटपुट जो यहां आएगा उसके ड्यूटी साइकिल या उसके वैल्यू से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ड्यूटी साइकिल को लेके उसी में हौच पौच कर रहे होंगे, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ड्यूटी साइकिल से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्लॉक में एक
ही बार पॉजिटिव एज या निगेटिव एज आएगी, सारे एक साथ ट्रिगर होंगे, सारे आउटपुट चेंज करेंगे, और आउटपुट चेंज होने के बाद कितने टाइम तक होल्ड करेगा, जब तक अगली पॉजिटिव एज नहीं आ जाए। अगली पॉजिटिव एज कितने टाइम बाद आएगी, आफ्टर टीसीएल के या टाइम पीरियड ऑफ 1 क्लॉक के बाद आएगी, तो 1 क्लॉक टाइम पीरियड तक वही आउटपुट दिखता रहेगा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मैंने कई बार इसको बोला है, ये ध्यान रखिए, है ना। क्या कह रहा था, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन मिलीवाट इन रजिस्टर आर, तो यहां पे जो आउटपुट वेव फॉर्म जनरेट हुई वो पता कर लें, जब वो 1 होगी तो यहां पे आउटपुट 5 वोल्ट होगा और यहां करंट फ्लो होगी, यहां पावर आएगी, जब आउटपुट 0 होगा तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी, कोई पावर नहीं डिसिपेट होगा, उसकी एवरेज वैल्यू फिर कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो एक पीरियोडिक वेव फॉर्म होगी, कभी होगा पावर कभी नहीं, एवरेज क्या होगा, जितना पहले का है, जितने टाइम के लिए पावर है उतना इनटू टाइम, प्लस जितने के लिए 0 है उतने इनटू टाइम अपॉन टोटल टाइम, यही तो एवरेज पावर आएगी, सिंपल सी बात है। तो हम उस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है क्या, अगर ध्यान से देखो तो रिंग काउंटर है, सारे कैस्केडेड एंड लास्ट वाले के फीडबैक आउटपुट को यहां फीडबैक कर दिया, और D1 इज फर्स्ट, हम वहां D5 इसी को लेते थे, उन्होंने उल्टा लिया, तो नोटेशन से तो कैसे लिखते थे, ये आगे आगे करते जाते थे, तो हम देख रहे हैं कितने स्टेट्स आएंगी जो बार बार रिपीट होंगी, हमें उसी को काउंट करना है। तो एवरेज पावर वहीं से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो क्या होगा, पहली क्लॉक आई तो 0, ये वाला 1 यहां गया, ये वाला 0 यहां पे गया, ये वाला 1 यहां पे, और ये वाला 0 यहां आ जाता था। दूसरी क्लॉक पे क्या होगी, तो सिंपली आपको लिखते जाना है, ये 0 यहां पे, ये 0 यहां पे, ये 1 यहां पे, प्रोसेस फॉलो करना है, और ये वाला 1 कहां पे आ गया, यहां पे, 2 ही 1 है एक टाइम में, तो वो घूमते रहेंगे, ये 1 यहां पे, ये 0 यहां पे, ये 0 यहां पे, जो रिंग काउंटर का प्रोसेस है वो फॉलो करते रहो, इनपुट अलग है तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करो। फोर्थ क्लॉक पे जब रिपीट करेगा तो वहीं रोक देना, 1 0 यहाँ 0 और यहाँ क्या 1। फिफ्थ क्लॉक पे क्या आएगा, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 और यहाँ 0। सिक्स क्लॉक पे रिपीट हो गया, क्या रिपीट हो गया, तो यहाँ कितना है मॉड नंबर, मॉड नंबर ऑफ द काउंटर इज 5। इवन इफ वी हैव स्टार्टेड इट विद 0 1 0 1 0 देन आफ्टर दैट इट्स मॉड नंबर इज स्टिल मॉड एन काउंटर। अगर 5 से बनाया तो कितने काउंटर है, मॉड एन काउंटर नॉर्मली बनता है रिंग काउंटर में। स्टार्टिंग स्टेट हमने कहा था कि 1 1 बाकी 0 हो तो ऐसा हमेशा होगा, यहाँ पे 2 1 के लिए भी वो ट्रू हो रहा है, तो ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो उसको करके देखना पड़ेगा। 5 स्टेट है, 1 2 3 4 5, यही 5 स्टेट बार बार रिपीट हो रही है। अब देखते हैं ये वाला आउटपुट जो हमें लिखना है, ये वाला आउटपुट हम मान लेते हैं क्या है, दिस आउटपुट इज वाई, ये कब 1 है, तब करंट यहां फ्लो होगी, तब पावर होगा इनमें से, और जब नहीं होगी तब ये नहीं होगा। तो सिंपली यहां वाई लिख लेते हैं, वाई दिस इज वाई, यहां पे लिखते हैं ये 5 स्टेट के लिए। ये क्या है, ये आर है ऑफ क्या, जो आउटपुट आपका क्या है, आपका यहां से आउटपुट कौन सा लिया है, एक आउटपुट लिया है D3 से, एक आउटपुट लिया है D5 से, मतलब Q5 है ना, ये मैंने D1 D2 लिया, ये Q1 Q2 एक्चुअली Q1 Q2 एंड Q3 Q4 Q5 हम आउटपुट लिख रहे हैं, इनपुट नहीं लिख रहे हैं ना। तो Q1 एक आउटपुट क्या है, Q3 है एक आउटपुट क्या है, Q5, इन दोनों का R लेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पे Y, अगर इन दोनों में से सारे 0 होंगे, और R गेट का आउटपुट 1 कब आता है, जब एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट 1 आएगा, जब सारे 0 होंगे तभी क्या होगा 0। तो देखते जाओ Q3 और Q5 में से एक भी 1 है तो आउटपुट Y कर दूंगे 1। तो देखते हैं इसमें से Q3 एंड Q5 दोनों 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, Q3 एंड Q5 दोनों 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 प्लस 0 0। तीसरे में देखते हैं Q3 एंड Q5, Q5 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, Q3 एंड Q5 एक 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, यहां पे एक क्या है, एक 0, दूसरा भी 0 तो 0 आएगा। तो अगर 5 क्लॉक साइकिल यही बार बार रिपीट करेगी और आपको आउटपुट को 3, और देखो ये स्टेट कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, 1, ये भी 1 टाइम के लिए, तो देखो 1 क्लॉक के लिए बीच में 1 मिला, फिर 2 क्लॉक के लिए बीच में 1 मिलेगा, और टोटल 3 क्लॉक के लिए क्या मिल रहा है, 3 क्लॉक टाइम पीरियड के लिए आउटपुट 1 है और 2 क्लॉक टाइम पीरियड के लिए 0 है। जो 5 क्लॉक की साइकिल है, जो इसका मॉड नंबर 5 है, यही चीज बार बार रिपीट करेगी और हमेशा आपका क्या होगा, 3 क्लॉक के लिए यहां पे आउटपुट 1 दिखेगा, 2 क्लॉक के लिए 0। तो 3 क्लॉक में जो 1 दिखेगा वहां पे क्या होगा, पावर डिसिपेशन बताओ, यहां पे वोल्ट 5 कर दो, और अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है, यहां 0 यहां 5 5, तो V2R से पावर निकलेगी, V2R 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम है, 10 की पावर 3 करोगे तो निकालोगे तो ये 2.5 मिलीवाट आएगा, क्योंकि यहां 10 × 10⁻³ करोगे -3 बनेगा, -3 यहां आपके पावर को क्या कर देगा, मिलीवाट। ये पावर डिसिपेशन कब है, 3 क्लॉक में है, जब आउटपुट 1 1 जब दिखेगा, यहां पे 2.5 आएगा, यहां भी 2.5, यहां भी 2.5, और जब 0 है तो पावर डिसिपेशन क्या होगा, 0 है तो पावर डिसिपेशन 0 होगा। तो एवरेज कितना होगा,
तीन क्लॉक के लिए 3T के लिए पावर डिसिपेशन 2.5 मिलीवाट है, दो क्लॉक के लिए पावर डिसिपेशन 0 है, तो यही साइकिल बार बार 5 की क्या करेगी, रिपीट। तो एवरेज पावर डिसिपेशन क्या होगा, टोटल टाइम कर दो यहां पे, क्या आ जाएगा, TT कैंसिल 3/5 इंटू 2.5, ये आ गया आपका 1.5 मिलीवाट, यहां से आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि क्या वेव फॉर्म यहां रिपीट हो रही है, उसमें से कुछ टाइम वो 1 देगा तो कुछ टाइम पावर आएगी, कुछ टाइम पावर नहीं आएगी, और वही साइकिल बार बार रिपीट करेगी, यही 5 का क्या होगा, आगे क्लॉक लोगे तो यही साइकिल बार बार रिपीट करेगी। तो ओवरऑल ये साइकिल कौन सी बनी, इतने की साइकिल बन गई, फिर से यहां 10110 आएगा। तो ये कोई साइकिल ले लो, उस साइकिल में तीन क्लॉक के लिए क्या है, 3T के लिए 1 है तो 1 है, तो उस समय पावर डिसिपेशन 2.5, और जब 2 टाइम के लिए 0 है तो पावर डिसिपेशन 0। तो ओवरऑल पावर एवरेज पावर 3T * 2.5 2T, टोटल टाइम 5T, एवरेज पावर कितना आ गया 1.5 मिलीवाट। तो यहां से वेव फॉर्म जनरेट करना है, और रिंग काउंटर में क्या करते हैं, शिफ्ट तो पहचानना था, इनिशियल स्टेट ले लिया, कहां कहां कौन जा रहा है देख लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपलीफाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एवरेज पावर क्या, यहां पे पावर डिसिपेट हुआ फिर नहीं हुआ, यहां पे डिसिपेट हुआ फिर यहां हुआ फिर यहां नहीं हुआ, तो एवरेज कितना होगा, टोटल का एवरेज ले लो, टोटल कितना पावर, 3T के लिए इतना, 2T के लिए इतना, एवरेज कैसे निकालते हो, यही निकालते हो कि आप किसी भी चीज में सम ऑफ एवरेज कैसे निकालते हो, 3 के लिए इतना है तो मल्टीप्लाई, 2 के लिए इतना है तो मल्टीप्लाई, फिर टोटल सम कर देते हो, तो वही चीज यहां पे भी जनरल कॉमन सेंस यूज करना, आपका आंसर आ जाएगा ना। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर सिक्वेंशियल को समराइज कर लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या फाइनाइट स्टेट मशीन, उसमें मैं सीक्वेंस डिटेक्टर कैसे डिजाइन करते हैं वो आपको सिखाऊंगा, बाकी सारी चीजें आप खुद से करेंगे, एडीसी डेक अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ओपैम में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, पूछा गया क्वेश्चन, अब देखो कैसे करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, आंसर को भी आप ध्यान से देखा करो, आंसर से भी कोशिश किया करो आंसर निकालने की, तो बहुत बार सिंप्लीफाइड हो जाएगा, जब आंसर गिवेन है तो एग्जाम में तो मैं यूज कर ही सकता हूं, है ना, है कि नहीं, मुझे आंसर वहां टिक करना है तो दोनों चीजें आने चाहिए। तो 2D फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड एज सिंक्रोनस काउंटर दैट गोज विद द फॉलोइंग सिक्वेंस QBQA, QBQA का सिक्वेंस गिवेन है, QBQA का सिक्वेंस गिवेन है, क्या 00, 00 से 11, 11 से 01, फिर क्या है 10, फिर 00, ठीक है। द कनेक्शन टू द इनपुट्स डी एंड DBR, तो एक तरह से डी फ्लिप फ्लॉप से एक सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन को करने को कहा, तो आप तो डिजाइन करने लगोगे, फिर ये आएगा, कैसे डिजाइन करते थे, QBQA ले लो, है ना, इसका नेक्स्ट स्टेट QBN+1 ले लो, यहाँ एक्साइटेशन DA और DB ले लो, DB और DA ले लो, उसको एक्साइटेशन को QB और QA के टर्म में, DB की ट्रुथ टेबल QBQA में, DA की ट्रुथ टेबल QBQA में निकाल लो, वहां से DB की वैल्यू और DA की वैल्यू आ जाएगी, इन्हीं में से कोई आंसर होगा, टाइम थोड़ा सा लगेगा आंसर आ जाएगा, बट अगर क्वेश्चन ध्यान से देखो तो भी आंसर आ सकता है बड़े इजीली। अब ध्यान से यहां देखो पैटर्न देखते हैं, QBN+1 क्या होना चाहिए, यहां क्या हो रहा है, और QAN+1 यही तो दोनों बताते हैं अगली स्टेट, और QBN+1 क्या होता है DB, और ये क्या होता है DA, तो DA DB की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये पैटर्न जनरेट हो, इनिशियली 0 है। अगर QB को ध्यान से देखो, पहले QB को देख लेते हैं, वहां से DB की वैल्यू मुझे लग रहा आ जाएगी, क्योंकि QBN+1 कैसे वैल्यू हो रहा है वो DB पे डिपेंड करता है, 0 से 1 हुआ अगले में 1 से 0 हुआ, 0 से 1 हुआ अगले में 1 से 0 हुआ, तो ये हर क्लास में क्या कर रहा है, टॉगल कर रहा है 1 से 0, QBN+1 क्या है, QB का क्या आ जा रहा है, QB जो प्रेजेंट है नेक्स्ट में उसका बार प्रेजेंट है, उसमें नेक्स्ट का बार प्रेजेंट है, उसमें नेक्स्ट का बार, तो QBN+1 होता है कितना DB, मतलब होना चाहिए ये क्या QB/N, तो यहां से DB की वैल्यू देखो QB/N दो ही ऑप्शन में है, ये या ये, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं, कौन से बचे, ये और ये, अब उनमें DA की वैल्यू चेक कर लो, ये वाली होनी चाहिए कि ये, अगर DA की वैल्यू ले लो, DA की वैल्यू ले लो QA/N ही है, तो ये आ जाएगा QA/N, तो देखो QA वाला पैटर्न भी ये वाला जनरेट होगा, तभी तो ये सीक्वेंस जनरेट हो पाएगा, दोनों एक साथ सही ऑर्डर में चले, QB इस तरह से वैरी करे 0101, और ये 01 फिर 1 को होल्ड करे फिर 1 से 0, तो आपका ये पैटर्न सीक्वेंस मिल जाएगा। देखें QA/R पे मिल रहा है क्या, QA/R पे देखो मिल रहा है क्या, अगर 0 है ये 0, 0 से 1 हुआ, QA/R पे मिल गया ये 0 से 1, लेकिन 1 अगर QA/R है नेक्स्ट स्टेट में क्या हो जाएगा, 1 का 0, लेकिन हो नहीं रहा है, मतलब QA/R नहीं हो सकता, अगर ये नहीं हो सकता तो एक ही ऑप्शन बचा सीधे, क्या ऑप्शन टिक कर दोगे, D, अगर आप निकाल के देखोगे तो यही आने वाला, इससे जनरेट करना, DA की वैल्यू ये रख दो, ये क्या है QA XNOR QB लिखा हुआ है, तो अगर इसकी वैल्यू ये ले लेंगे QA XNOR QB, तो ध्यान से देखो क्या आएगा, 0 0 का XOR 1, 1 1 का XNOR फिर से 1, 1 XNOR 0 फिर से 0, तो ये पैटर्न जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर अगर ध्यान से क्वेश्चन को विजुलाइज करोगे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, कोशिश किया करो। नॉर्मली वन ऑफ द
जो क्यूबी एन प्लस वन या क्यू ए एन प्लस वन नॉर्मली ये बार के फॉर्म में होता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो हमने सिंक्रोनस के किए भी पैटर्न जनरेशन के आप देखोगे क्यूबी एन प्लस वन या क्यू ए बार एन था या क्यूबी बार एन था, एक कम से कम ऐसा आउटपुट था जो बार के टर्म में था, वो चाहे खुद के बार के टर्म में था या किसी और क्यू ए के बार के टर्म में था। तो इस तरह से चीजें आप देखा करो ध्यान से, तो उन सब चीजों को जनरली पैटर्न जनरेशन है तो इस तरह का बार वाला जरूर एकाक रहता है मैक्सिमम 99% के क्वेश्चन में, 95 कह सकते हो, तो उसको ध्यान से देखा करो पैटर्न को क्या होना चाहिए, वहां से आंसर निकालना थोड़ा ईजी हो जाएगा, 2-3 मिनट में करके हो जाओगे। अगर वहां से बनाओगे एक्साइटेशन टेबल, सॉल्व करो सिंक्रोनस काउंटर जैसे बनाया था, आएगा आंसर, लेकिन टाइम लगेगा आपको, कम टाइम में भी करना है, 3 ही घंटे हैं आपके पास, तो जिस तरह से क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हो करो। तो ठीक है, तो हमने सिंक्रोनस के बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करना चाहिए बता दिया मैंने। फाइनाइट स्टेट मशीन में मैं सीक्वेंस डिटेक्टर आपको सिखाने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से, आप सीख जाओगे, तो उस पर एकाक दो क्वेश्चन आए हैं वो कर लेंगे। फिर मेरे तरफ से डिजिटल ऑलमोस्ट समराइज है, टूस कॉम्प्लीमेंट मैं पढ़ाना चाहता था लेकिन रिसेंटली मैंने देखा कोई ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, तो जब हम डिटेल कोर्स लाएंगे 2020 के लिए वहां पे हम जरूर लाएंगे उस सब चीजों को, एक एक चीज को बहुत अच्छे फॉर्म में लाने वाले हैं हम लोग। और एडीसी डैग अगर बचता है लॉजिक फैमिली ऑफ सिलेबस में नहीं तो उसके बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल थोड़ा बहुत सीमॉस है वो आप नॉर्मल तरीके से पढ़ लेना, बहुत टफ नहीं होता है। मैं जब सीमॉस वहां पढ़ाऊंगा मॉसफेट में अगर मुझे टाइम मिला, जहां पे सीमॉस इन्वर्टर से जो बड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, आपने देखा होगा सीमॉस इन्वर्टर वाले जो पीमॉस और एनमॉस से कि ये सैचुरेशन में होगा कि ट्रायोड में होगा, जो बताना होता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वहां से आता है, और उसको मैं इतना सिंपलीफाई तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप देख के बता सकते हो कि ये सैचुरेशन में कौन होगा कौन ट्रायोड में, बहुत इजी तरीका है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आ गई तो वो बहुत इजी होता है, तो वो मैं उसमें कवर करने की कोशिश करूंगा, यहां वो नहीं बताऊंगा। एडीसी डैग आप खुद से करना, डैग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओपैम अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो ये चीजें, और इनकॉर्पोरेट कर लो आपकी तैयारी और इनहेंस हो जाएगी। एडीसी डैग अगर टाइम मिला मुझे एनलॉग में, क्योंकि एनलॉग भी थोड़ा रेनली सब्जेक्ट है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सब्जेक्ट में एनलॉग ही शुरू करूंगा जितना मुझे टाइम परमिट करेगा, मेरे साथ थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, मैं थोड़ा जॉब की वजह से बिजी रहता हूं बहुत, तो उस वजह से मैं निकालने की कोशिश करूंगा। तो एनलॉग में मेन मेन पोर्शन जो मैं कवर कर पाऊंगा, जहां पे आपको एम्फेसाइज करना है, जहां पे आपको क्लैरिटी देनी है, जहां पे चीजों को सिंपलीफाई करना है, वो मैं करने की कोशिश करूंगा। तो आप डिजिटल पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फाइनाइट स्टेट मशीन कवर करता हूं, फिर मैं समराइज कर दूंगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।